के छोड़ो मैं आपको बताने वाला हूँ टाटा स्काई की किड्स पैक के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पे जान रहे हो और देख रहे हो, मैं आपको टाटा स्काई के किड्स पैक के बारे में बताऊँगा। जो कि टाटा स्काई के किड्स पैक आते हैं, मिनी पैक आता है और एक मिनी HD आता है, उसके बाद एक किड्स पैक आता है और किड्स HD पैक आता है। चारों पैक के प्राइस और चैनल लिस्ट मैं आपको इस रूम बताने वाला हूँ, और आपके लिए कौन सा चैनल जो कौन सा पैकेज है बेस्ट रहेगा ये मैं आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो जो पहला वाला पैकेज है किड्स मिनी न्यू, तो इसमें आपको 0 HD चैनल मिलते हैं और सिर्फ आपको 6 स्टैंडर्ड रिपेशन चैनल मिलते हैं। इस पैकेज की प्राइस यहाँ पे आपको 30 रुपीज़ देखने को मिल जाएगी। तो मैं आपको चैनल लिस्ट बताता हूँ इसमें आपको क्या क्या चैनल्स मिलते हैं। तो इसमें आपको निक चैनल मिलता है, उसके बाद पोको मिलता है, उसके बाद आपको यहाँ पे कार्टून नेटवर्क मिलता है, गुब्बारे चैनल मिलता है, हंगामा TV और डिज्नी चैनल मिलता है। तो ये सारे स्टैंडर्ड डिविजन के 6 चैनल आपको 30 रुपये में टाटा स्काई के किड्स मिनी न्यू पैक में देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद अगला पैकेज आता है टाटा स्काई का किड्स का किड्स मिनी HD न्यू, तो इसमें आपको 2 हाई डिविजन चैनल मिलते हैं और 4 आपको स्टैंडर्ड डिविजन चैनल मिलते हैं। इस पैकेज की प्राइस कोलेक्ट यहाँ पे 40 रुपये है। और इस पैकेज की जो चैनल की बात करें तो इसमें आपको 6 चैनल मिलते हैं। कार्टून नेटवर्क का आपको HD चैनल मिलेगा, उसके बाद पोको आपको स्टैंडर्ड डिफिशन में मिलेगा, गुब्बारे भी चैनल स्टैंडर्ड डिफिशन में है, हंगामा TV चैनल स्टैंडर्ड डिफिशन है, और इसमें आपको नीक HD प्लस ये चैनल आपको HD में देखने को मिलेगा, और डिज्नी नॉर्मल स्टैंडर्ड डिफिशन चैनल यहाँ पे आपको मिलेगा। तो यहाँ पे 6 चैनल आपको इस पैकेज में मिलेंगे। उसके बाद टाटा स्काई का अगला पैकेज है किड्स पैक, तो इस पैकेज का नाम दिया टाटा स्काई किड्स पैक। इसमें आपको हाई डिविजन का एक भी चैनल नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड डिविजन के आपको 14 चैनल मिलेंगे, और इस पैकेज की प्राइस आप करीब देखेंगे तो 47 या 48 रुपीज़ यहाँ पे है। तो इसमें आपको कितना चैनल मिलते हैं और चैनल लिस्ट मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे चैनल्स की बात करेंगे तो करीब आपको 14-14 चैनल मिलेंगे। इसमें आपको गुब्बारे मिलेगा, डिज्नी जूनियर मिलेगा और निक जूनियर मिलेगा, सोनी यहाँ मिलेगा, ETV बाल भारत ये एक चैनल मिलेगा, उसके बाद सोनी निकलोडिन मिलेगा, डिस्कवरी किड मिलेगा, CBBB ये चैनल मिलेगा आपको BBC का, और इसमें आपको निक चैनल मिलेगा, पोगो है, कार्टून नेटवर्क है, सुपर हंगामा, हंगामा TV और डिज्नी। तो इस तरह से आपको सारे किड्स चैनल आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 48 रुपीज़ में, लेकिन ये स्टैंडर्ड डिविजन चैनल है, लेकिन आपको सारे चैनल सिर्फ सिर्फ 48 रुपीज़ में मिलेंगे टाटा स्काई में। और इस पैकेज का नाम है किड्स पैक, तो टाटा स्काई किड्स पैक आप इसको बोल सकते हो। अगर आपको सारे चैनल HD में चाहिए तो आपको यहाँ पे टाटा स्काई या टाटा स्प्ले का आपको एक पैकेज मिलता है किड्स HD पैक। तो इसमें आपको 3 चैनल हाई डिविजन मिलेंगे और 12 चैनल आपको स्टैंडर्ड डिविजन मिलेंगे। इस पैकेज की प्राइस है करीब 59 रुपीज़ या आप 60 रुपीज़ समझ सकते हो। और इसकी मैं आपको चैनल लिस्ट बताता हूँ, इसमें आपको देखने को मिलेंगे करीब 15 चैनल। तो इसमें आपको गुब्बारे निक जनरल मिलेगा, फिर आपको यहाँ पर निक जनरल मिलेगा, सोनी यहाँ मिलेगा, ETV बाल भारत, सोनिक निकलोडियन, उसके बाद डिस्कवरी किड्स, CBBCS मिलेगा, उसके बाद आपको BBTV HD चैनल मिलेगा, और आपको कार्टून नेटवर्क HD चैनल मिलेगा, पोगो मिलेगा, सुपर हंगामा, हंगामा TV और निक HD प्लस, ये आपको हाई डिफिनेशन चैनल मिलेगा HD में, और आपको डिज्नी चैनल मिलेगा। तो इस तरह से करीब आपको 15 चैनल इस पैकेज में मिलते हैं। तो अभी 2022 के लिए टाटा स्काई के करीब 4 किड्स के पैक आते हैं, और इसका पूरी चैनल लिस्ट और मैं आपको प्राइस बताया। ये जो पैकेज 30 रुपये से चालू होते हैं और 60 रुपये तक जाते हैं। तो इस तरह से 4 पैकेज अभी टाटा स्काई या टाटा प्ले में अवेलेबल है। के लिए कौन सा पैकेज सूटेबल रहेगा आप अपने हिसाब से चुन सकते हो। अगर आपको सारे किड्स के पैकेज चाहिए, चैनल चाहिए, तो आपका अपने 48 रुपीज़ वाला या 47 रुपीज़ वाला ये जो पैकेज है ये आपको बेहतर रहेगा। अगर हाई डिविजन में सारे चैनल चाहिए तो यहाँ पे आपको 58 वाला ये जो पैकेज है आपको इसमें अच्छा रहेगा। तो इस तरह टाटा स्काई में अभी 2022 के लिए 4 पैकेज किड्स के अवेलेबल है, उसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दी है। उम्मीद करूँगा आपका वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और भी आपको कुछ कमेंट रहेंगे तो आप कमेंट से मुझे लिख के आप जरूर बता सकते हैं।